कैसे?
जैसे حصل نهاره فصام وطال ليله فقام. अल्लाह ने सर्दियों में दिनों को छोटा कर दिया. मोमन गनीमत समझता है, रोजे रख लेता है, और अल्लाह ताला सर्दियों में रातों को लंबा कर देते हैं. मोमन गनीमत समझता है, आराम करके जल्दी उठकर नमाज़े तहज्जुद में मशगूल हो जाता है. तो सर्दियां ये नेकियां कमाने का सीजन है. सर्दी का मौसम मोमन के लिए नेकियों की बहार है. हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अश्शिताउ गनीमतुल आबिदीन, कि ये सर्दी का मौसम इबादत गुजारों के लिए गनीमत है, कि वो इस मौसम को, इस मौका को गनीमत समझते होंगे, अपने रब को खूब राजी करने की कोशिश करते हैं. उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह एक ताबी हैं, एक अल्लाह वाले हैं, वो फरमाते हैं जब सर्दी का जमाना आता, अपने मुतालिकीन को जमा करते तो उन्हें नसीहत करते, या अहल कुरान, ए कुरान वालों, ताला ताल लैलु लिस्यामिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तहज्जुद के लिए रातों को लंबा कर दिया, वा कसरत नहारु लिस्यामिकुम, और अल्लाह ने तुम्हारे रोजे के लिए दिनों को छोटा कर दिया. तो ये सर्दी का मौसम, सर्दी का जमाना अहले ईमान के लिए नेकियों का सीजन है. इसे नेकियों की मोमेंट के लिए बहार कहा गया. और ऐसे ही सर्दियों में आमाल का अजर बढ़ जाता है. बुखारी शरीफ में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिल दरजात. मैं तुम्हें वो काम ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटाएंगे और जन्नत में तुम्हारे दर्जे बुलंद फरमाएंगे. सहाबा खुश हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, जरूर बताइए वो क्या अमल है. तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बार मज़ूमी अलग मकाए, कि जब वजू करना मुश्किल महसूस हो, जैसा कि सर्दी के मौसम में, अब मौसम भी ठंडा, पानी भी ठंडा, लेकिन बंदा गर्म, किसका जी चाहेगा कि इतने ठंडे पानी से वजू करो. लेकिन जब अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए बंदा वजू करता है, तो इस वजू की बरकत से आप सलाम फरमाते हैं, अल्लाह इस मौके बंदे के गुनाह मिटाते हैं, जन्नत के दर्जे बुलंद फरमाते हैं. तो ये सर्दियों के वजू पर बशारत सुनाई जा रही है. अब वजू के बाद हमें तौलिया इस्तेमाल करना होता है. आप सलाम भी करते थे, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस आती है, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कानत लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलक़तुन तनशिफ़ु बादल ग़ुस्ल. आप अलैहिस्सलाम ने एक तौलिया रखा हुआ था, वुज़ू के बाद अपने मुबारक जिस्म को उससे साफ करते पूछते पूछते तो तौलिया भी इस्तेमाल करते हैं. एक है इसलिए इस्तेमाल करना कि ठंड लग रही है और कपड़े गीले हो जाए, और एक है इसलिए इस्तेमाल करना कि ये मेरे नबी की सुन्नत है. हजरत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह घर में आए, बच्चा लेटा हुआ था, बच्चे को उठाया प्यार करने के लिए, चूमा नहीं फिर रख दिया, फिर उठाया और फिर चूमा, प्यार किया. तो घरवाली ने कहा, ये क्या बात हुई, पहले उठाया बगैर चूमे रख दिया, फिर उठाया फिर चूम लिया. तो हजरत ने फरमाया, जब मैंने पहले उठाया दिल में देखा तो जज्बा यह था कि एक बाप अपने बेटे से प्यार कर रहा है. मैंने कहा इसका तो कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने रख दिया. फिर दिल में इस बात का इस्तेहज़ार किया कि बच्चों से प्यार करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, अब इसलिए से चूम रहा हूं. तो तौलिया तो हमने वैसे इस्तेमाल करना ही होता है, तो जब इस्तेमाल करने लगे तो इस बात का दिल में इस्तेहज़ार करें कि ये मेरे नबी की सुन्नत सर्दियों
احادیث میں تولیہ نا استعمال کرنے کا ذکر ہے وہ گرمی اوپر کی حدیثیں ہیں، اور جس میں تولیہ استعمال کرنے کا ذکر ہے وہ سردی کے زمانے کی حدیثیں ہیں۔ تو حضور کی سنت سمجھ کر ہم یہ وضو کے بعد تولیہ استعمال کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ سردی کا جو زمانہ ہے، سردی کا جو موسم ہے، اس کی حدیث میں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں اجر بڑھ جاتا ہے، اسے مومن کے لیے نیکیوں کی بہار کہا گیا ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ سردی میں ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا کام سردی میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے راضی رہنا ہے، ہم نے اللہ سے راضی رہنا۔ کیا مطلب؟ کہ جب سردی آتی ہے، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، کمزور آدمی کا سردی کی وجہ سے جسم کانپتا ہے، تو دل میں تھوڑی بہت یہ بات تو پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے سردی، کیوں آ گئی، گرمیاں ٹھیک تھی، اس طرح کی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ لیکن ہم نے ایسی باتیں نہیں نکالی، بلکہ ہم نے اللہ کو یہ دکھانا ہے، اے میرے والد، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، جو بھی موسم لائے گا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں، ہم جو چلا نہیں کریں گے، مرضی جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے، بس اس کی زبان پر ہم اگر ہے نہ مگر۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، یسوع بولتا ہے آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کا معنی کرنے موسم کو برا کہتا ہے، وانا الطاہر، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں ہی پلٹتا ہوں، سردی گرمی میں ہی لاتا ہوں۔ تو جب کوئی بندہ سردی کو برا کہتا ہے تو وہ سردی کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، سردی لانے والے کو برا کہہ رہا ہوتا۔ اس لیے سردی میں ہم نے اللہ کو اپنی رضا دکھانی ہے کہ اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہے، تو جو بھی موسم لائے ہم تیرے فیصلے پہ بالکل ہی راضی ہیں۔ بندہ کمزور ہے، ایک شاعر ابھی غوث نے ایک عجیب شعر کہا ہے کہ وہ کہتا ہے یتمنى المرء في الصيف الشتاء اذا جاء الشتاء انقى، کہ جب گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے گرمی، مر گئے، پسینہ، یہ وہ، سردی اچھی تھی، سکون سے بیٹھے رہتے، لیکن جو ہی سردی آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اب اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی آ گئی، گرمیاں ٹھیک تھی، اب گوٹے جڑ گئے، کان ٹھنڈے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے فَهُوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ مَا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَأَ، انسان مارا جائے یہ کتنا ہی ناشکر ہے، کسی ایک آن پہ راضی نہیں ہے، سردی ہے تب بھی چیختا ہے، گرمی ہے تب بھی چیختا ہے۔ تو نہیں، سردی میں ہم نے اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے بولوں کا عادی بنا لیا کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ دیکھیں سردی کے موسم میں ہم باہر جائیں تب بھی جنت کما سکتے ہیں، گھر میں اندر آ جائیں تب بھی جنت کما سکتے ہیں، بس تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے میں یتصبر یصبر، جو بندہ اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر دے ہی دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو اللہ اتنا اجر دیں گے جو گنتی بھی نہیں آ سکتی۔ اب سردی میں جنت کیسے ملے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامرئ لامر المؤمن، مجھے ایمان والے پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کسی حال میں کھاٹے میں نہیں رہتا، باہر جاتا ہے تب بھی جنت کماتا ہے، اندر گھر میں آتا ہے تب بھی جنت کماتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان اصابته السراء فشکر فله الجنہ وان اصابته الضراء فصبر فله الجنہ۔ یہ باہر جاتا ہے تو سردی لگتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، تو یہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تیرا ہی لایا ہوا موسم ہے، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ صبر والے کو اللہ نے جنت دے دی ہے۔ گھر میں آتا ہے، ہیٹر کے سامنے بیٹھا، رضائی میں گھسا، آگ کے قریب ہوا تو اسے
अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सर्दी से बचने का सामान दिया, रजाई तूने दी, हीटर तूने दिया, कितनी ही तेरी मुझ पर मेहरबानी है। बाहर किया सबर किया, सबर वाला भी जन्नती है। अंदर घर आया शुक्र किया, शुक्र वाला भी जन्नती है। तो सर्दी में बंदे को जन्नत मिलनी है, भावे बाहरों ले लो तो भावे अंदर ले लो। बाहर जाए सर्दी लगे तो सबर करें, घर में आए सर्दी चली जाए या रहाइश पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। साबिर भी जन्नती, शाकिर भी जन्नती। तो पहला काम सर्दी में क्या करना है, अल्लाह के फैसले पे राजी रहना है। दूसरा काम सर्दी में अल्लाह से आफियत की दुआ मांगनी, क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो जिस्म पर असर तो होता ही है, नजला हो गया, खांसी लग गई, सर में दर्द शुरू हो गया, बुखार आ गया, बीमारियां तो आ ही रहती हैं। इसलिए अल्लाह से आफियत की दुआ करनी है कि अल्लाह आफियत का मामला फरमा। ये आफियत बहुत बड़ी नेमत है। तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस आती है, नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे चढ़े तो रोने लगे, फिर रोते रोते आपने सहाबा से फरमाया अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। और आपने फरमाया कि ईमान वाले को यकीन के बाद अगर कोई बड़ी नेमत मिलती है तो वो आफियत की नेमत। यकीन के बाद ईमान वाले को अगर कोई बड़ी नेमत मिलती है तो आफियत की नेमत। आफियत का माना अल्लाह हर किस्म की तंगी को दूर कर देते हैं। मुस्नद अहमद में एक रिवायत है, एक शख्स आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु दुआ अफज़ल, सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आफियत वल फी दुनिया वल आखिरह। अल्लाह से दुनिया आखिरत में आफियत और माफी का सवाल है। दूसरे दिन फिर आ गया या रसूलुल्लाह अफज़ल दुआ कौन सी है? आपने फिर इरशाद फरमाया आफियत मांग। तीसरे दिन फिर आ गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल दुआ कौन सी है? आपने फिर इरशाद फरमाया और आपने फरमाया भैया मासूम, जब जब दुनिया में आफियत मिल जाए और आखिरत में माफी मिल जाए, कद अफलहता, ये जो दो चीजें अगर तुझे मिल गई तो तू दोनों जहानों में कामयाब हो गया। तो सर्दी के मौसम में फिर खुशूर, वैसे तो हर जमाने में हर मौसम में हर वक्त आफियत का सवाल किया जाए, क्योंकि सर्दी में मौसम ऐसा होता है कि बीमारियां घेर लेती हैं, तो खास तौर पर इस मौसम में अल्लाह से आफियत का सवाल किया जाए। तो वो किन अल्फाज में दुआ की जाए? हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने सलाम ने दुआ सिखाई, उसमें भी आफियत की दुआ के लफ्ज आते हैं। अल्लाहुम्मा हदी फी मन हदैना व आफिनी फी मन आफैना, ए अल्लाह जिन लोगों को तूने हिदायत देनी है उनमें मुझे भी शामिल करना, और जिन लोगों को तूने आफियत अता करनी है उनमें मुझे भी शामिल करना। ऐसे ही आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दो सजदों के दरमियान एक दुआ करते थे, उसमें भी आफियत की दुआ के लफ्ज आते हैं। अल्लाहुम्मा फिनी वरहमनी व आफिनी वहदिनी व रसमनी, ऐसे ही एक अल्फाज भी आते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा वल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। अगर ये अरबी के लफ्ज याद ना भी हों तो उर्दू में कह लें या अल्लाह आफियत का मांगना। तो अल्लाह से आफियत मांगनी है, ये सर्दी से दूसरा काम। तीसरा काम, जब सर्दी ज्यादा हो तो सर्दी की दुआ करनी है। सर्दी की भी एक दुआ है, अलावा मेरे सिद्दी अलरहमा ने अपनी किताब अमलुल लैल वन नहार, जिस किताब में आपने सलातो सलाम के दिन रात के आमाल जमा किए, उसने एक रिवायत नकल की कि हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा काना यौमुन शदीदुल बर्द, कि जब ज्यादा सर्दी आती है, सर्दी ज्यादा आ जाती है, सर्दी का मौसम आ जाता है, अल्लाहु समाहु व बसरहु इला अहलिल अर्ज, तो अल्लाह ताला जमीन वालों की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये क्या कहते हैं। फरमाया अगर कोई शख्स इस सर्दी में यूं कह दे, अब ये सर्दी की दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशद्द फर्द हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़मअरी जहन्नम, तीन हिस्से हैं दुआ के, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशद्द फर्द हाज़ल यौम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़मअरी जहन्नम।
आज इतनी शदीद सर्दी है, इसकी खैर है तो मुझे जहन्नम की सर्दी से बचा दे। जहन्नम में गर्मी भी है, जहन्नम में सर्दी भी है, उस सर्दी को जमाई कहते हैं। अल्लाह इस सर्दी की खैर है, मुझे जहन्नम की सर्दी से बचा दे। पर जब बंदा सा सर्दी में ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला जहन्नम से मुखातिब होते हैं, देख मेरे बंदे ने तुझसे तेरी सर्दी से पना मांगी है, मेरे बंदे ने तेरी सर्दी से उनसे पना मांगी है, गवाह हो जा मैंने अपने बंदे को तेरी सर्दी से पना दे। तो इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह जहन्नम से पना अता फरमाते हैं। और सुबह सुबह तो सबको ही सर्दी लगती है, उस वक्त ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसे तो हर वक्त ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, तो इसलिए दुआ याद कर ले और इसका इहतमाम करें। और इस दुआ से निकली हुई ये बोल अल्लाह को कबूल हो गए और अल्लाह ने जहन्नम से आजादी का फैसला कर दिया, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। चौथा काम जो सर्दी में करने का है वो ये है कि सर्दी से बचने की तदबीर इख्तियार की जाए। ये वाला दीन है, दीन अबू दाऊद शरीफ में है। एक साहबी को अपने साथ उस साहब ने नसीहत फरमाई, उसने फरमाया इन्ना लिजसदी का अलैका हक, तेरे ऊपर तेरे जिस्म का भी हक है। अब जिस्म का क्या हक है? सर्दी में इसे गर्मी वाली चीजें दे, गर्मी में इसे सर्दी वाली चीजें दे। ये जिस्म का हक है, जिस चीज से जिस्म को तकलीफ होती है उससे जिस्म को बचाया जाए। सर्दी आ जाए तो जुराबे पहननी चाहिए, जर्सी पहननी चाहिए, चादर लेनी चाहिए। और लोग क्या कहते हैं कि जी ऐसे तो उल्टे हो बैठे हो, सालों सर्दी कुछ नहीं कहते, इस तरह की बातें करते हैं। अपनी जवानी दिखानी दिखानी, भाई जवानी दिखाना कमाल नहीं, इताअत दिखाना ये कमाल है। सर्दी नहीं भी लग रही, मेरे नबी ने फरमाया है कहीं लग ना जाए, इसलिए चादर पहन लेनी चाहिए। घर में अगर उतार दे, मस्जिद में बजे उतार दे, ऑफिस में इस तरह दुकान वगैरह में जाकर चाहे उतार दे, लेकिन सर्दी से बचने की तदबीर तो क्या करनी चाहिए। ऐसे ही वो चीज जो सर्दी में खाने से बंदे को नुकसान देती है उससे भी परहेज करना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। बहुत ही सर्दी है, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कहा जाए जी सर्दी नजर नहीं आती, तो क्या कहते हैं आपको क्या बात आ रहा है, आइसक्रीम खाने का मजा ही सर्दी से। भाई सुबह जब नजरा होगा, जब नाक बंद होगा तो फिर क्या करोगे? तिरमिज़ी शरीफ में आता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला बीमार थे, आपको पेट का मसला था, नबी अलैहिस्सलाम को यूं कह रहे हैं, हजरत अली ने भी हाथ पकड़ा, हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया वाह वाह या अली, अली क्या कर रहे हो, अभी तो वहां से उठे हो, खजूरें खाते हो, यदि वो खजूरें उनके लिए नुकसानदेह थी तो आप अलैहिस्सलाम ने रोक दिया। फिर एक साहबी चुकंदर लेकर आए, आपने फरमाया कि ये खाओ, ये तुम्हारे खाने की चीज है। तो इससे पता चला कि अगर कोई चीज परहेज वाली है, जिसकी खाने से बंदे की सेहत खराब हो सकती है, तो उसे बचना चाहिए। इलाज कराना सुन्नत है, परहेज वाजिब है, अपनी जान को हलाकत में डालना ये तो गुनाह है। तो इसलिए सर्दी के मौसम में एक अमल ये भी है, एक काम ये भी है कि सर्दी से बचने की तदाबीर इख्तियार की जाए। और पांचवा अमल कि सर्दी के जो दिन हैं, ये जो कि छोटे दिन होते हैं, इनको गनीमत समझते हुए रोजों का इस्तेमाल कर लिया जाए, नफली रोजे रखे जाए। अगर किसी के कजा फर्जी रोजे रहते हैं उनकी कजा कर ले, अगर वो नहीं है तो नफली रोजों का इस्तेमाल करें। हर हफ्ते में कम अज कम सोमवार का रोजा, जुमेरात का रोजा, इसका तो इस्तेमाल होते हैं। ऐसे सर्दी की रातें लंबी होती हैं तो इन्हें गनीमत समझते हुए तहज्जुद पढ़नी चाहिए। अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिक़याम अल-लैल, रात को क़याम की आदत बनाओ, इन्नहु क्योंकि ये मिन्ना बिस्सालिहीन, ये सालिहीन की आदत है। अब लगो जो तुमसे नेक लोग गुजरे हैं ना, पहले सब के सब तहज्जुद ही पढ़ा करते थे, और आपने फरमाया क़ुर्बतुन इला रब्बिका, ये जो तहज्जुद है रात को उठना है ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा, इससे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। एक अल्लाह वाले कहते हैं ये तहज्जुद मोमिन के लिए बुराक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम शबे मेराज बुराक पे सवार हुए तो कहां से कहां तक चले गए, ऐसे ही मोमिन जब तहज्जुद की बुराक पे सवार होता है ये भी बहुत मंजिलें तय कर जाता है, अल्लाह के करीब चला जाता है। और ऐसे ही फरमाया तहज्जुद गुनाहों को मिटा देता है।
जो बहुत बड़ी नेकी है, ऐसे बंदे के गुनाह मिटते हैं जैसे खजा के मौसम में दरख्त से पत्ते चढ़ते हैं। जब तहज्जुद पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है तो इसके गुनाह चढ़ते हैं। ऐसे फरमाया तहज्जुद मन आतम अन इज्म गुनाह से रोकती है, तहज्जुद गुनाह से बचाती है। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह बंदे को गुनाह से बचाते हैं, गुनाह की नफरत इसके दिल में डाल देते हैं। क़यामत के दिन ऐलान होगा करता है। एक आदमी गर्मी में बैठा है तो
तो जब मुसाफा करेगा तो इसके ठंडे हाथ जब इसके हाथ को लगेंगे तो इसे थोड़ी सी तकलीफ तो महसूस होगी, ये गर्म सा लगेगा, तो इससे भी अपने आप को बचाना चाहिए। उसूल याद करें, ठंडे गंदे गीले हाथों से मुसाफे से बचना चाहिए, ठंडे, क्योंकि मुसाफे का मकसद मोहब्बत बढ़ाना है। जब इस तरह की मुसाफा करेंगे तो अगले बंदे को थोड़ी सी तकलीफ होगी तो ये मोहब्बत की वजह होगी, नफरत होगी। तो इसलिए सर्दियों में इस चीज का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए कि अगर हाथ मेरे ज्यादा ठंडे हैं या गीले हैं तो दूसरे मुसलमान को कहीं तकलीफ ना हो, तो मुसाफे से बचना चाहिए, सच सलामी के रहना चाहिए। और इस तरह रात को सोते हुए चराग वगैरह फरमा चाहे बंद करके सोने चाहिए। आजकल चराग का मकसद अपना सदरा भी होगा कि हीटर चल रहा है, गैस चल रहा है, तो इसको बंद करके सोना चाहिए। और भी बहुत से काम है, इस तरह नमाज के अंदर चादर पहनकर, इस तरह चादर पहनना कि बंदे के हाथ अंदर ही बंद होकर रह जाए, इससे भी उजूर से मना करना है। ढीली चादर पहननी चाहिए कि अचानक कोई चीज सामने आ जाए उसे हाथ से रोकना हो तो बंदा जल्दी से हाथ बाहर निकाल दे। इसी तरह चादर वगैरह का सदर करना कि चादर डाली उसके दोनों किनारे नीचे की तरफ लटकाना, इससे भी मना किया गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो सर्दी में करने वाली है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्दी में ना करने वाली है। अल्लाह ताला तौफीक दे, अमल बख्शे, और आखिर दुआ हमारा।